फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? और आई होप आप लोग एकदम ठीक होंगे, और आप सबकी दुआओं की वजह से मैं भी एकदम ठीक हूँ। मुझे आप लोगों से एक बात करनी है, मतलब कि कुछ डिस्कस करना है। तो जो मेरे साथ होता है वो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मेरे साथ ऐसा होता है। कुछ सब्सक्राइबर जो आते हैं वो क्या करते हैं ना कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियोस देखते हैं, और उसके बाद फिर वो ना अनसब्सक्राइब कर देते हैं मेरे चैनल को। ऐसा क्यों करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। या तो मेरी वीडियोस उन लोगों को पसंद नहीं आती। अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ गाइस, आप लोग है ना अनसब्सक्राइब मत किया। जब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना, तो मुझे एक होप होती है कि हाँ, मेरा चैनल भी ग्रो करेगा, मेरे ब्लॉग्स भी लोगों को पसंद आ रहे हैं, इसलिए मेरे पास सब्सक्राइबर आ रहे हैं। तो जो लोग मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ यार, क्या है मेरी वीडियो में, क्या कमी है, क्यों अनसब्सक्राइब हो गया। तो कि जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना आप लोग, तो अनसब्सक्राइब मत किया करो प्लीज़। और अगर आप लोगों को मेरे यहाँ के ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं, मतलब कि जैसे मैं ग्रीनरीज वगैरह दिखाती हूँ, अपने घर के आसपास का व्यू दिखाती हूँ, अगर आप लोगों को व्यू अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करने की कोशिश किया कीजिए गाइस। जैसे जैसे मेरे पास सब्सक्राइबर आएंगे, मेरी भी होप बढ़ेगी कि हाँ, मेरे सब्सक्राइबर। आज मुझे ना, तो मैं ये ब्लॉग्स इसलिए नहीं डालती हूँ कि मतलब मुझे कुछ कर दिखाना या फिर कुछ। मैं एक तो इसलिए डालती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ, ठीक है। सेकंड, मैं इसलिए डालती हूँ कि मैंने जब ये चैनल बनाया था तो मैं सोचती थी ना कि मैं बच्चों को स्टडी करवाया करूँगी, पढ़ाया करूँगी। तो स्टडी के लिए ना मेरे पास उतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं 1 घंटा या 1.5 घंटा बैठ के अच्छे से बुक्स पढ़ सकूँ, और फिर बच्चों को उसके बारे में समझा सकूँ कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है। क्योंकि हर किसी का ना पढ़ाने का तरीका अलग होता है, तो क्या पता किसी को पसंद आएगा, नहीं पसंद आएगा, तो वो एक हो जाता है कि हाँ भाई, हम पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा। इसीलिए फिर मैंने क्या किया, ब्लॉग्स कंटिन्यू किए। तो ब्लॉग्स इसलिए मैं ब्लॉग्स फिर से, मैंने इतने सारे कपड़े धो दिए हैं, और कपड़े कपड़े नहीं इंसानों का लुक भी बदल गया। आज तो देखो कुर्ता पजामा में है बाबू जी। कहाँ जाएगा बेटा? बहादुरगढ़ में क्या है? कुछ भी नहीं है। बहादुरगढ़ में खाली हाथ के लगवा का उधर साइड है बहादुरगढ़। खेत में मैसा ने खोल रही थी, मेरा ने मैसा ने खोल रही है, कचरी ढोने लग रही है। अम्मा कचरी ढो है कि मैसा ने खोल रही है? अच्छा, कपड़ा बिकी खेत पे, बस चलने आए थे तो पानी पी रहे। मैं फिर से इधर ग्वालफली देखने के लिए आ रखी हूँ, तो देखते हैं इसमें फूल वूल आ रखा है नहीं आ रखा, फल कब तक देगी ये, कब तक इस पे बेल पे वो लगने लग जाएंगे, तो वो देख। तो देखो ये फूट है ना, ये मोरों ने खाली, बिल्कुल खाली कर दी। नुकसान कर दिया मोर ने खाली। इतनी बड़ी बड़ी होगी ग्वाल फली, अब इस पे फली आने लग जाएंगी।
आजा आजा। ये साथ में चंदे भी ठा लिए मोर के, पूरा दो झाड़ू तैयार हो चुके हैं। जिसको झाड़ लगाने के लिए चाहिए वो ले लेना, इसको चैन नहीं है मम्मी पापा के बिना। ये देखो ये देखो ये देखो, आ गया एक सू पड़ी है ना, है ना। ये फूट कितनी छोटी छोटी पड़ी है, ये पक्की नहीं आई भी हरी है। ये देखो ये फूट तोड़ता हुआ इंसान, फूट फूट पाएगी, तुझे भी पाएगी, तोड़ ली। फिर से मैं ग्वालफली में आ गई हूँ और यहाँ पे देखने के लिए आए हैं, यहाँ पे देखने के लिए आए इस ग्वालफली में फली आई है कि नहीं आई है। तो अभी तो नहीं आई है, तो सही से क्लियर आ नहीं रहा, मेरे चश्मे पे धूप का भी फोकस पड़ रहा है तो साफ दिखाई दे नहीं रहा है, ना सही से नहीं आ रहा है। देख लो धूप बहुत हो रही है। हमारे खेत का व्यू अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना और बताना कि किसको ग्रीनरी अच्छी लगती है। तो मैं तो रोज़ रोज़ घूमने के लिए आ जाती हूँ, कभी किसी खेत में कभी किसी खेत में। कल आप लोगों को बताया था क्यों घूमने के लिए आती हूँ, एक तो वीडियो बन जाती है और थोड़ा सा टहलना भी हो जाता है, इसलिए आ जाती हूँ मैं इधर घूमने के लिए ना। तो ये इधर साइड में, ये इधर साइड में यक्सु, यक्सु के पापा फूट खा रहे हैं, इनको और कुछ मिला नहीं तो बस फूट ही खाने लगे ना। कर ये हमारा यक्सु फालतू बोलने लग गया बहुत ज़्यादा, जो देख सुनता वही बोलता है, तो इसकी पिटाई लगाने हो रहे हैं हम थोड़े बहुत दिन में। ध्यान ये यक्सु इनको बा बोलता है। साफ कर लिए नीचे से मछली, मिट्टी लगी है यो पीतनी चला गई थोड़ी सी। मैं घर भाग गई, इसलिए लोग भागते भागते जा रहे हैं, और देखा यक्ष के पापा भागते जा रहे हैं। बाप भी गई, ये हमारे यक्ष जा रहा है, अब यक्ष जा रहा है घर। कहाँ जा रहा है यक्ष, घर जा रहा है, घर क्या करेगा जाके, अब ये घर जा रहा है। आप लोग इसकी चाल देखो, और कह रहा है भाद्रगढ़ जाऊंगा। ये दुकान तक जाता है, दुकान तक जाने का मतलब इसको भाद्रगढ़ जाना है। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर, यक्षु घर जा रहे हैं ना बेटा। तो अभी मैं इसको गोदी लूंगी कि पापा तो चले गए, क्योंकि वो मैं जो चल रही थी वो भाग गई, तो इसके लिए उनको पकड़ने के लिए कोई तो जाना चाहिए था ना। खेत में घूमना हो गया है और अब मैं जा रही हूँ घर। देखिए मेरे फेस पे सूरज की रोशनी पड़ी ना, तो मेरा चश्मा कैसा हो गया है ना, तो चश्मा उतारना पड़ेगा। तो अभी मैं घर जा रही हूँ, और घर जाके टाइम हो गया 6:30 बज गए, 6:30 बजे आए थे हम लोग। तो अब हम घर जाएंगे, घर जाके खान वाना की तैयारी। अब कपड़े भी पड़े हैं, कपड़े भी नहीं धोए मैंने सही से, आधे धो दिए आधे पड़े हैं, तो वो भी करना। और चलिए चलते घर में। तो अभी मैं घर पहुंच चुकी हूँ, अब मैं जाऊंगी अंदर। ये हमारे घर के पीछे का व्यू, वही देख लीजिए आप, ये खेत का मतलब, ये तो मैं दिखा देती हूँ, पास में है ना, तो इसलिए मैं इसको शूट कर लेती हूँ। क्या है, अच्छा चलो, तो ये इसको तो कोई दिक्कत है नहीं दिखाने में, ये तो गेट पे खड़े होकर भी दिखाई दे जाता है। तो चलिए मैं एक बार, अभी मैं आ गई हूँ और गई थी मशीन चला के, कपड़े धो रही थी तो ये मशीन बंद पड़ी है, तो मैंने कहा एक बार मशीन को चक्कर लगा देती हूँ है ना। तो फिर अब मैं अंदर जाऊँगी, कपड़े भी धुलते रहेंगे, और मैं अब अंदर जाके खाने वाने की तैयारी करूँगी। ये तुलसी जी दिखाई थी ना, मैं देखो हमारे घर में बहुत बड़ी तुलसी जी लगी है यहाँ पे, और ये अनार, अनार लग रखे थे देखो, बड़े बड़े अनार हैं इनके, तो मेरे एक सूने खा लिए, और ये हैं इस पर। तो मिलती हूँ आपसे खाना बनाने के बाद। बच्चे साइकिल चलाते हुए घूम रहे हैं, ये इधर साइड है, ये साइकिल चला रही है, चला रही है, चला रहा है। क्या नाम है तेरा, अन्नी,
ये अन्नी हमारी गली में ही रहता है ना, अन्नी हमारी गली में रहता है ना तू। हमारे अच्छी को तो टेंशन होगी भाई है ना। करे भाई चैनल ना चाल करेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ा है, मैंने बहुत करनी। सर पे हाथ रख के सो रहा। करो भाई कुछ सो रहेगा भाई। देखियो भाई ये भी जो सोचता है मम्मी पापा हमने इधर इधर भगाए जाए, कदे खेत में ले जाए, कदे कितने कदे कितने, पर मारे वीडियो तो चल सी को ना है ना। सब्सक्राइबर पूरे ना देखते हैं, सब्सक्राइबर आते हैं चले जाते हैं, ऐसे करते हैं हमारे सब्सक्राइबर। हमारे का मतलब काफी चैनल पैसा होता होगा, आते हैं चले जाते हैं। पर ऐसा छोरा देखियो रे है ना, आज तो बता दिया भाई पूरी बता। अब सो रहा है तो ना शांति से, तो ऐसा करना नहीं चाहिए लोगों को, जैसे लोग करते हैं आते हैं और चले जाते हैं है ना। इसमें भी नींद आ रही है, पर ये वीडियो बनाने के चक्कर में ना सो नहीं रहा। ये नहीं बोला है मेरी वीडियो बना दे बनियान बनियान में, तो जो रात में बनियान पहन के सोगा तो बनियान में वीडियो बनाऊंगी ना। अभी मुझे जमाना दही तुमने नींद आ रही है, मैंने भी कहा रही होगी नींद। दही जमा ले, दही जमा ले जाके जा, आज तेरी ड्यूटी है। जिसने लस्सी चाहिए हो भाई फोन कर लियो रे। इसका नंबर ले लियो मैसेज में, मैं दे दूंगी आपने। ओके भाई गुड नाइट। गुड नाइट। इसमें नींद आ रही है ना, इसकी तबीयत वेट थोड़ी ठीक नहीं है, दो तीन दिन से ना तो नींद आ रही है ज़्यादा, इसलिए अभी मैंने तो काम करना है, इसलिए मैंने इसको जगा के रखा हुआ है। मैंने दही जमाना दूध ठंडा नहीं रखा हाँ। तो चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, अब हम आपसे मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। कल से एक नया चैनल और स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग उसको भी फॉलो कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वो चैनल संदीप वशिष्ठ के नाम से है यूट्यूब पे एक चैनल, तो कल से उस पर काम स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग उसको भी सपोर्ट कीजिएगा चैनल को, हो सके तो जितना सपोर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। और चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।